नमस्कार, जय हिंद। मैं कितने सिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं में इसे मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जिसकी भी परीक्षाओं में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, वे इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरे अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जितने भी मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा, ये सब पर आपको पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। कहने का मतलब, जितने भी आपको सारे विकल्प दिए रहेंगे उस पर मैं चर्चा कर दूंगा, जिससे आपके कहने को तो आपका 20 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको तैयार हो जाएंगे कुल आपके 40 प्रश्न। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दें, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो अर्थ के आधार से ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दें, ये कैसा वाक्य है? आपके पास ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो दोस्तों, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दें, यह एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपका जो इच्छावाचक वाक्य है, इसमें आशीर्वाद, इच्छा, ये सब आपकी बोध होता है आपके इस वाक्य से, इच्छावाचक वाक्य से। और दोस्तों, जो आपका पहला विकल्प है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क का आपको चिन्ह मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। विस्मयवाचक में आपको ये विस्मय सूचक चिन्ह मिलेगा, और यहाँ पर कोई अचानक काम हो रहा है उसके बारे में बोध कराता है विस्मयवाचक वाक्य। और निषेधवाचक वाक्य में हमेशा ही आपको वाक्य के बीच में नहीं शब्द मिलेगा, तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा आपका वाक्य है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दें, इसमें कौन सा आपका है? तो याद रखेंगे कि ये इच्छा है एक प्रकार की। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको यहाँ पर दिए गए चार विकल्प, आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। दोस्तों, जो शब्द होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रूढ़, एक होता है आपका यौगिक, और एक होता है आपका योग और रूढ़। तो इसका पूरा नाम होता है योग रूढ़। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि रूढ़ क्या है। जो आपका रूढ़ है ये क्या है? तो दोस्तों, रूढ़ है ये कि जिसे कोई भी आपको वाक्य दिया गया है उसके आप दो सार्थक खंड ना कर सकें। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है पीला, तो पीला के आप क्या कर सकते हैं, इसके दो सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, ये आपका हो गया रूढ़। यौगिक दोस्तों क्या है? यौगिक क्या, जिसके दोस्तों दो सार्थक खंड किए जा सकें और जितने भी आपको खंड हों उसके एक एक अर्थ स्वयं से निकलते हों। जैसे घुड़सवार शब्द है, तो इसका दो सार्थक खंड हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका घुड़ और एक हो जाएगा आपका सवार। तो ये दो शब्दों से मिलकर आपका बना है घुड़सवार, और इसमें घुड़ का भी एक अर्थ है घोड़ा, और सवार का मतलब सवारी करने वाला। तो ये आपका हो गया यौगिक। अब दोस्तों देखिए कि योग रूढ़ क्या है। अब देखिए कि योग रूढ़ क्या है। दोस्तों, योग रूढ़ होता है जिसके आप जो आपको शब्द दिया गया है, तो योग रूढ़ में आपका होता है जो आपको शब्द दिया गया है उसके आप दो सार्थक खंड कर सकते हैं। जैसे लंबोदर है, तो इसके आपको मैं अगर दो सार्थक खंड कर दूं तो आप तुरंत कर देंगे कि हो जाएगा लंबा प्लस उदर, तो ये आपका हो जाता है आपका लंबोदर। ठीक है, लेकिन जब लंबोदर से आपका आपका क्या भाव का निकलता है, तो लंबोदर मतलब लंबा है, उदर जिसका अर्थात कि गणेश। लेकिन अब आप गणेश जो है इसका आप सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया योग रूढ़। कहने का मतलब, इसकी जो आपको शब्द दिया गया है उसका आप उसको यौगिक बना सकते हैं, उसको आप दो सार्थक खंडों में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो इसे अर्थ निकल रहा है वो आपका रूढ़ हो जा रहा है। तो इसमें आपकी दोनों प्रकृति मिल रही है, यौगिक की भी और रूढ़ की भी, तो ये आपका हो गया योग रूढ़। तो याद रखेंगे कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपको विकल्प सी पर सही टिकला देना है कि लंबोदर। और इम्पोर्टेंट बात, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास हैं ये आपके सारे आपके क्या हैं, योग रूढ़ हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जैसे लंबोदर हो गया, दिशानन हो गया, पीताम्बर हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, योग रूढ़ शब्द हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों बता दीजिए कि ये नाग कैसा शब्द है, ये नाक जो है ये कैसा शब्द है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसके दो सार्थक खंड ना किए जा सके उसे कहते हैं आप रूढ़। तो ये क्या है नाक आपका, आप एक रूढ़ का है, इसको आप दो सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो जो आपको यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से ऐसा शब्द कौन सा है जो विकारी है? तो आपको याद रखना है कि जो आपकी संज्ञा होती है, जो आपका सर्वनाम होता है, जो आपका विशेषण होता है, और जो आपकी क्रिया होती है, ये चारों क्या होते हैं? ये चारों दोस्तों आपके होते हैं क्या, विकारी शब्द। ये चारों विकारी शब्द होते हैं। और जो आपका अव्यय होता है, जो अव्यय होता है वो आपका अविकारी होता है।
तो यहाँ पर आपको भिखारी शब्द ढूंढने के लिए करा चार विकल्पों में, तो आपको इसमें से जो भी अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण या फिर क्रिया हो उसको आप पहला कर लेना है। तो देखिए पहला विकल्प है हाथी। तो हाथी क्या है दोस्तों? हाथी एक प्रकार की संज्ञा है और संज्ञा में भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भिखारी शब्द। और इधर जो और भी विकल्प दिए गए हैं, यहाँ, इधर, उधर, ये आपका क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का अव्यय है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अभिकारी। और आपको भिकारी शब्द आपको चूज करने के लिए कह रहा तो आपका विकल्प था ये जगह हाथी। हाथी एक संज्ञा है और ये भिकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण होते हैं यह और वह। और इसका विकल्प आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो आपका यह दिया गया है। और दोस्तों इसके निश्चयवाचक का आपका बोध होता है, जैसे मैं कह दूं कि यह पुस्तक क्या है आपकी? आपकी जो यह पुस्तक अच्छी है, तो आपको निश्चय हो रहा है कि इसी पुस्तक में बात कर रहा हूं, जो आपको जिस तरह मैं दिखा रहा हूं कि ये पुस्तक, तो यही पुस्तक अच्छी है, तो ये आपका निश्चय हो गया। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। आप सर्वनाम कई प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में आपको कोई और कुछ मिलता है। क्या मिलता है? कोई और कुछ। जैसे मैं कहा कोई आदमी आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खा लीजिए, तो क्या खा लीजिए? इंपॉर्टेंट आपको बताया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प आपका ए और सी दिया गया है, क्या और कौन, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे प्रश्न करने के लिए होता है। जैसे क्या आपने खाना खाया है, तो क्या हो गया आपका? ये आपका सर्वनाम हो जाता है। तुम क्या कर रहे हो? तो इस प्रकार से आपका ये होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय होते हैं किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो याद रखिए कि प्रत्यय क्या है दोस्तों? ये वो होते हैं जो आपके वाक्य, जो आपको शब्द होता है इसके पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? आपके पीछे लगते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं लौकिक, तो इसके पीछे शब्द कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो आप कहेंगे कि इक प्रत्यय लग रहा है, तो आपके पीछे लगता है। और याद रखिए उपसर्ग जो होता है आपके आगे लगता है। क्या लगता है? आगे लगता है। तो ये आपका उपसर्ग होता है। यहाँ पर जो कृदंत प्रत्यय, याद रखिए कृदंत प्रत्यय दोस्तों हमेशा क्रियाओं के साथ लगते हैं, कृदंत से क्रिया, इस बार का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? दोस्तों वाच्य जो होते हैं आपके दो तीन प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य पहला होता है आपका, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। और दोस्तों आपके वाच्य ये होते हैं जो आपको वाक्य में प्रधानता दिखाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से क्या होता है? जिस वाक्य में आपकी कर्ता की प्रधानता हो। कर्मवाच्य क्या है? जिस वाक्य में आपसे कर्म की प्रधानता हो। और भाववाच्य क्या है? जिस वाक्य में आपसे भाव की प्रधानता हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कर्मवाच्य। तो पहला वाक्य देखिए, चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी इसमें क्या है? चिट्ठी दोस्तों इसमें कर्म है, और इसमें किसी कर्ता का बोध नहीं कराया जा रहा है कि चिट्ठी भेजी गई, तो ये आपका कर्म की प्रधानता है यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, कर्मवाच्य कौन सा है? तो चिट्ठी भेजी गई। और भी विकल्प देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? आपका लड़का पढ़ रहा है। और लड़का क्या है? लड़का दोस्तों एक प्रकार का कर्ता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा वाक्य? पूरा वाक्य आपको हो जाएगा कर्तृवाच्य। देखिए यहाँ पर दिख रहा है श्याम चिट्ठी लिखेगा, तो चिट्ठी कौन लिखेगा? श्याम लिखेगा। तो क्या हो गया? श्याम क्या है? एक प्रकार का कर्ता है, तो वाक्य में प्रधानता है कर्ता की, तो हो जाएगा आपका कर्तृवाच्य। लड़का दौड़ रहा था, तो इसमें लड़का क्या है? लड़का आपका है कर्तृवाच्य, और इसी की भी आपका क्या है? प्रधान है, तो ये आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वाच्य जो होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या है दोस्तों? जिससे भाव की प्रधानता हो। जैसे मैं कह दूं कि मुझसे चला नहीं जाता, तो आपका मुझसे चला नहीं जाता, तो ये आपको वाक्य पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है? भाव का बोध है, मुझसे चला नहीं जाता, ना चलने का भाव हो रहा है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है अर्ध, रचना, उद्गम या फिर ये सभी। तो दोस्तों शब्दों के वर्गीकरण का आधार आपका विकल्प डी से हो जाएगा, ये सभी। आपका अर्थ भी है इसके वर्गीकरण का आधार, रचना भी है और उद्गम भी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? पीछे मैंने आपको बताया कि उपसर्ग क्या होता है, जो वाक्य के आगे लगते हैं, तो किसमें से आपका अप उपसर्ग नहीं लगा है, बताइए सही उत्तर क्या होगा? पहला विकल्प है अपरोक्ष। परोक्ष में दोस्तों आगे जोड़ जाता है अप, तो ये आपका हो जाएगा अपरोक्ष। अपादान उसके बाद है आपका अपवाद, फिर है आपका अपमान। तो किसमें आपका अप उपसर्ग नहीं लगा है? तो दोस्तों
तो दोस्तों आपके विकल्प बी में जो है आपका ये अप उपसर्ग नहीं लगा, क्योंकि ये पूरा वाक्य होता है अपादान। वाद में अपवाद जुड़ गया है, मान में अपमान जुड़ गया है, परोक्ष में अपरोक्ष जुड़ गया है, तो इसमें किसमें आपका अपादान होता है, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, ये पूरा आपका अपादान जो पूरा शब्द ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि लालटेन जो है, लालटेन जो होता है ये शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है, आपके पास ऑप्शन है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, या फिर एक विशेष विदेश शब्द है। दोस्तों जो आपका लालटेन है ये आपका, तो ये आपका क्या होता है, आपका लालटेन जो होता है ये आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है, और क्या ये विदेशज है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्याकत में, अभ्याकत शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि अभ्याकत शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आप जानते हैं जो वाक्य के आगे लगता है, पीछे के आपका जो क्वेश्चन था वहां पर मैंने उपसर्ग के बारे में चर्चा कर ली है, तो अभ्याकत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों अभ्याकत शब्द में आपका ऑप्शन ही सही जगह अभी। दोस्तों कई बार कन्फ्यूजन होता है, लोग अभ्य को सही टिक लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों अभ्य किसी प्रकार का उपसर्ग है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो अभ्य है ये आपका इसमें अभ्यागत में आपका शब्द जो उपसर्ग है ये लगा हुआ है। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय से एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य मिलते हैं, तो इस बात को समझ कर चलिएगा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। और दोस्तों मैं जो आपकी हिंदी है इसको पूरा डिटेल से शुरू से लेकर पूरा अंत तक कराने वाला हूँ, इसलिए एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी मैं इस क्लास को प्रारंभ करूंगा जहां पर मैं आपको हिंदी के A to Z बता दूंगा, मतलब शुरू से लेकर पूरा अंत करा दूंगा हिंदी की, और हिंदी से आपकी कोई भी परेशानी बचेगी नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। पीछे मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बता रहा था कि आपको जब आपके शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, आपका होता है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो रूढ़ में बताया था मैंने आपको कि जिस वाक्य के दो सार्थक खंड क्या होते हैं नहीं किए जा सकते, उसे कहते हैं आपका रूढ़। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आया आपका पंकज, पंक और अज, तो ये आपको हो गया यौगिक। विद्यालय, विद्या और आलय, इसका भी आपका क्या हो जा रहा है, आपका यौगिक हो जा रहा है, क्योंकि इसके दो सार्थक खंड हो जा रहे हैं, विद्या और आलय। विद्या माने विद्या, आलय माने स्थान। जलज, जल अज, जल में जन्म लेने वाला जलज हो गया। और आपका है ऑप्शन डी कमल, इसका दोस्तों सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका रूढ़ शब्द, इस बात को याद रखिएगा। आपको रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ तीनों पर मैंने पीछे डिटेल से बताई है, और ये तीनों परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संधि से कि नओढ़ा, नओढ़ा का संधि विच्छेद क्या है। आपके ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है नव और उढ़ा, नवो धन ढा, नव धन उढ़ा, या फिर न धन ओढ़ा। तो बताइए नवोढ़ा शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, नव धन उढ़ा, यह आपका नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता कि नवोढ़ा में कौन सी संधि है, कौन सी आपकी संधि है, तो याद रखेंगे कि इसमें गुण स्वर संधि है। इसमें दोस्तों आपको होता क्या है, गुणस्वर संधि में आपका आ और आपका बड़ा आ मिलकर किससे, उ और बड़े उ से आपका ओ शब्द का निर्माण करते हैं, तो नवोढ़ा में आपका हो जाएगा नव धन उढ़ा, और ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपका गुणस्वर संधि है। दोस्तों इसमें आपके गुणस्वर संधि में आपको ए मिलेंगे, छोटा ए और ओ, छोटा ओ और आपका आर, ये तीन शब्द आपके किस मिलते हैं, गुणसंधि में। और इसी का जो विस्तृत रूप है, ए का आए, ओ का आओ, ये आपको किसमें मिलता है, ये आपका वृद्धि संधि मिलता है, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप समझ गए होंगे कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, नवधन उढ़ा और आ और उ मिलकर आपका बन गया ओ। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोयोग, मनोयोग में कौन सा आपका संधि विच्छेद है, मनोधन योग, मनाधन योग, मनाधन आयोग, या फिर कि कोई नहीं, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, मनाधन योग, और ये आपका क्या है, एक प्रकार की आपकी विसर्ग संधि है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो सुध संधि आपके दो के तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उसमें आपका ये विसर्ग संधि है। दोस्तों स्वर संधि के भी आपके पांच प्रकार होते हैं, आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और आयात संधि। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और दोस्तों संधि से एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य मिलते हैं, इसलिए आपको संधि आपको पूरा याद होना चाहिए, और जब मैं आपको संधि से क्लास में लेकर आऊंगा तो वहां पर पूरे डिटेल से इसकी चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छ जो है आपका जो छह शब्द है, वर्ण किसके योग से बना हुआ है। दोस्तों छह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है, एक संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में जो चार वाक्य आते हैं आपका,
उसमें से आपका छवि एक है और किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा का और खा, का और खा आपके शब्द से बना है आपका छह, इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो घर जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, आपके पास ऑप्शन है बिहार है, इला है, आश्रम है कि गे है। दोस्तों आपके घर का पर्यायवाची शब्द होता है आपका गे, इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको पर्यायवाची शब्द अगर आपको पूरा करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैंने करा दिए थे, और इस वीडियो की जो आपको लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन लाइन पर मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, वहां पर लिखा रहेगा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द और उसकी लिंक दी रहेगी, आप खोलेंगे तो आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द वहां पर करा दिए गए, तो जाकर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो घर का पर्यायवाची शब्द आपको याद रखना है कि गे है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शुद्ध शब्द चुनिए, यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं और किसकी वर्तनी शुद्ध है इसको आपको चुनना है, और वर्तनी शुद्ध से भी एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य मिलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो क्वेश्चन आपका आपके पास विकल्प है रामायण, तो आपको इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रामायण, और काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, सभी लोगों ने रामायण शब्द को बार बार देखा होगा, तो आपको इसी प्रकार से लिखा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कुछ पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि जो युद्ध में स्थिर रहता है इसे आप युद्धिष्ठिर कहते हैं, और मैंने एक वीडियो जो है स्पेशल कराया था कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर, इस प्रकार से उसके एक शब्द क्या होंगे, और इस वीडियो की लिंक आपको कहां दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दी गई है, वहां पर लिखा रहेगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद उसकी लिंक दी रहेगी, आप खोलेंगे तो वो बहुत सारे शब्द वहां पर कराए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो जो आपका अद्भुत रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है, और रसों से भी ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में से मिलते हैं, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद होने चाहिए दोस्तों। आपके अद्भुत जो रस होता है इसका स्थायी भाव क्या है बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों इसका विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका विस्मय होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके कुछ ऑप्शन देखिए गए, देख लीजिए, जुगुप्सा जो शब्द है दोस्तों ये आपके भयानक रस का स्थायी भाव है, और जो आपका क्रोध दिया गया है ये आपके रौद्र रस का स्थायी भाव है, और जो आपको विस्मय दिया गया है, जो आपका क्या दिया गया है, विस्मय दिया गया है, ये आपके अद्भुत रस का स्थायी भाव है, और जो आपका निर्वेद दिया गया है, जो आपका निर्वेद दिया गया है ये आपके शांत रस का क्या है, स्थायी भाव है। तो इन बातों को याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात रख लीजिए दोस्तों, जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव होता है रति, और जो आपका करुण रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव होता है आपका शोक, और जो आपका हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव होता है हास्य। वीर का दोस्तों आपका स्थायी भाव याद रखिएगा कि उत्साह है, वीर का आपका क्रोध नहीं है, आपके रौद्र का क्रोध है, और वीर रस का आपका स्थायी भाव है उत्साह, इस बात को याद रखिएगा, और भयानक का भय है। और यहाँ पर जो आपको जुगुप्सा बताया गया था, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो आपको मैंने जुगुप्सा बताया ये आपका विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो पीछे मैंने आपको बता दिया था कि ये आपके भयानक रस का स्थायी भाव है, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये विभत्स रस का स्थायी भाव है और भयानक रस का स्थायी भाव है भय, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभवों के कितने भेद होते हैं, जो आपके अनुभव होते हैं इनके कितने भेद होते हैं, आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 6, तो याद रखिए दोस्तों कि अनुभवों के कुल 4 भेद होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, और ये विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा भी आता है, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, तो बताइए इसका में अर्थालंकार कौन सा है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अर्थालंकार है। दोस्तों जो आपके अलंकार होते हैं ये आपके होते हैं आपके 3 प्रकार के, अर्थालंकार, शब्द अलंकार और उभयालंकार, तो अर्थालंकार के उदाहरण बताइए, आपके पास ऑप्शन है श्लेष, यमक, वक्रोक्ति। दोस्तों ये तो आपके शब्द, ये तीनों क्या है, ये आपके शब्द अलंकार है, जो आपका रूपक है ये आपका क्या है, अर्थालंकार है। दोस्तों आपके अर्थालंकार में रूपक भी आता है, उपमा भी आता है, उत्प्रेक्षा भी आता है, कुछ इसी इंपॉर्टेंट शब्द हैं आपके जो आपके अर्थालंकार में आते हैं। दोस्तों अलंकार से भी आपको याद रखना है, अलंकार जो अलंकृत करे और उसे कहते हैं अलंकार, इस बात को भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए और जो आपको कुछ एडिशनल पॉइंट बताए, आपको कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें जो की पॉइंट के तौर बताई है, उस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि वहां से भी ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा, अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप सबसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए तब तक के लिए एग्जाम तक, धन्यवाद।